हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि अजय की इजी रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पफ्ड राइस की रेसिपी। पफ्ड राइस लो इन कैलोरीज होते हैं और बहुत ही रिच होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स में। तो आज हम पफ्ड राइस से बनाएंगे अपना पोहा। बहुत ही हेल्दी पोहा बनेगा ये। इसे आप ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक में इंजॉय कर सकते हैं। पफ्ड राइस को हम कई जगह मामरा, मुरमुरा या कुरमुरा भी कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे इसका पोहा। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बड़ा बोल पफ राइस का लिया है, तो आप भी इस तरह से बड़ा बोल ले लीजिए। और इसे खुले बर्तन में मैं डाल दूँगी और इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। और इसको मैं पानी में सोख करके रखूँगी, यानी कि भिगो के रखूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट। इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है, नहीं तो इसका टेक्स्चर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा तो ये खिला खिला नहीं बनेगा पोहा हमारा। इसलिए सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसे पानी में रखेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से स्क्वीज़ करेंगे इसका एक्सेस वाटर और इसे एक अलग बोल में हम निकाल लेंगे। देखिए, ये पानी में सोख होने के बाद थोड़ी इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो आप थोड़ा ज़्यादा ही रखिए जितना आप बनाना चाहते हैं। तो ये सही टेक्स्चर है इसका, देखिए। अब इसके तड़के के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, 2 टेबलस्पून पीनट, किशमिश 2 छोटे चम्मच, कड़ी पत्ते और साथ ही 1/2 कप बॉइल्ड पीज लिए हैं, 2 हरी मिर्च बारीक काटी हुई, हरा धनिया और नींबू का रस। ये सब चीज़ें हम लेंगे अपने तड़के के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 से 3 छोटे चम्मच तेल के लेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ते और साथ ही डाल देंगे हम अपने मस्टर्ड के दाने 1 छोटा चम्मच। मैंने यहाँ पीली सरसों ली है, आप ब्लैक मस्टर्ड सीड्स भी ले सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हींग और 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। यहाँ साबुत धनिया है मैंने क्रश करके डाला हुआ और रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। और साथ ही हम डाल देंगे प्याज और इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर भुनेंगे जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। नेक्स्ट, इसके बाद हम डालेंगे बॉइल्ड पीस। इसे भी हम कुछ देर इसके साथ भुनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच। मुझे हल्का पीला रंग पसंद है पोहे में, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं आप ज़्यादा ले सकते हैं। किशमिश और पीनट्स ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम डाल देंगे अपने पफ्ड राइस जो हमने पानी से सोख करके निकाले थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसे बहुत हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। देखिए, गैस की फ्लेम मेरी इस समय लो मीडियम है, तो ये हमारा पोहा ऑलमोस्ट तैयार है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि गरी का बुरादा 2 छोटे चम्मच। अगर आपके इस गरी का बुरादा नहीं है तो 1/2 छोटा चम्मच पीसी हुई चीनी आप इसमें डाल सकते हैं और गार्निश करिए धनिया लीव्स के साथ। और देखिए, हमारा पोहा तैयार है। सबको मैंने मिक्स किया और सर्व करेंगे हम इसको नींबू के साथ। आप जब इसे खाएं तो ऊपर से इस नींबू को स्क्वीज़ कर लीजिए। तो और खट्टा मीठा पोहा आपका तैयार है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।